साहब जाना है। काफी ठंड होने के कारण रोड पे गाड़ियां भी कम चल रही है। ये सब को ध्यान में रखते हुए मैंने एसी वाली बस पकड़ी है। इसमें मैं काफी अच्छी तरह से कंफर्ट फील कर रहा हूँ, ताकि इसमें मुझे ठंड नहीं लग रही है, नॉर्मल जैसा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं जल्दी ही फाइनली इस वक्त जो है बंगला साहब गुरुद्वारे के पास पहुंच चुका हूँ और हम अभी अंदर चलेंगे और आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो जो है फिश है जो काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया है, अंदर की क्या नज़ारा है, अमेजिंग। तो हम इस वीडियो में आपको ये सारे कुछ बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखिए आप इंजॉय लीजिए और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेंगे और गुरुद्वारे के बारे में सारा कुछ आपको जानने को मिलेंगे। तो इस तरह वीडियो में बने रहिए, चलिए लेट्स गो स्टार्ट। मैं गुरुद्वारे के अंदर एंट्री कर रहा हूँ और ये है रास्ता, बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। हाँ ये देख लीजिए, जा रहे हैं, थोड़ा फेस इधर करना। मैंने इस गुरुद्वारे में एंट्री करने के लिए तीन गेट दिए गए हैं, बाकी सबसे ज़्यादा जो ये यही गेट से लोग आते जाते हैं। और इस गुरुद्वारा के परिसर में एक अस्पताल, बाबा भगेल सिंह संग्रहालय और एक पुस्तकालय है। और यहाँ आने वाले बाहरी लोगों के लिए कड़ा प्रसाद मिलता है, और उस प्रसाद को बड़ी प्यार से, दिल से वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं और थैंक्स गॉड बोलते हैं। ये गुरुद्वारा 1783 में जनरल सरदार भगवीर सिंह द्वारा बनाया गया। ये जो गुंबद दिख रहे हैं, इस सोने की पतली परत से बना हुआ है, जो कि काफ़ी मनमोहक और अच्छी कलर के दिख रहे हैं। आप लोग भी आइएगा और देखिएगा, यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आ रखे हैं आज। आई एम नॉट श्योर कि सब दिन यहाँ लोग आते हैं, बट आज तो दिख रहे हैं भीड़। और ये रहे सोए हमारे साथ आए, वो भी हैं वीडियो में, और देखते रहिएगा जो ये दिख रहा है। इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर एक फिश है, जो एक नहर है, सरोवर, जो काफ़ी खूबसूरत है, और उनके अंदर फिश भी है। नीचे जो है जूता रखने का बना हुआ है, क्योंकि इसके एंट्री करने से पहले जूता रखना ज़रूरी होता है, इस पहले हाथ धोना पड़ता है, जो कि ये हाथ धो रहे। आई थिंक यहाँ पे सर ढकना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप इसके अंदर नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ का मानना है। और यहाँ पे शुरू से ही ऐसा है कि बिना सर ढके अंदर जाने का अलाउ नहीं है, तो मेरे भी मजबूरी में ढकना पड़ा और मैं इस तरह बांध के फिर अंदर को गया। आई थिंक यहाँ पर बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए यात्री निवास है, जो 24 घंटे चलने वाले पाठ आपको सीधे देवीय शक्ति से जोड़ते हैं। हाँ, अगर अभी तक हमारा जंतर मंतर का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये नज़ारा कितनी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैं इसके नीचे जाऊंगा और ये सारे कुछ दिखाऊंगा। ये जो नहर है ना, ये जो सरोवर है, इसी सरोवर के अंदर वो खूबसूरत सी फिश है, जो मैं अभी आगे जा दिखाने वाला हूँ। और जस्ट उसके जो सामने दिख रहे छोटे छोटे से, उसके अंदर ही लंगर होता है, जो मैं खाना भी खाने जाऊंगा, प्रसाद बोलते हैं, वो देने जाऊंगा। देख लीजिए, जो मैं फिश का बोल रहा था यही है, देखिए कितनी बढ़िया सा लग रहा है फिश। आपने कभी देखा है ऐसा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो है वीडियो लेने से मना कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, फिर भी हम चोरी चुपके चुपके ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। क्या ही बताएं, यहाँ ठंड ठंड तो काफ़ी है, और ठंड के साथ साथ यहाँ बारिश भी हो रही है, वो भी एकदम स्लाइटली क्लाउडली क्लाउडी मौसम है, रेनी मौसम हो रहा है, ठीक है, रेनी हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और देख लीजिए किस तरह ये जो बारिश हो रही है, वाह, इंजॉयबल बारिश है। Thank you.
में गुरुद्वारे की इस खूबसूरती को हम अच्छी से अच्छी तरह हम आपको दे सके। ये देख लीजिए कितनी अच्छी से सजाया हुआ है, और ये जो लुक है जो इन फ्रंट ऑफ द सरोवर ऑफ गुरुद्वारा, अब जो हम लंगर खाने के लिए जा रहे हैं तो ये जो है हम सीधे जाएंगे और इसी में जो लास्ट वाले जो गेट दिख रहे हैं वहीं से हम एंट्री करेंगे और वहाँ पे उसके अंदर जाने के बाद मुझे लंगर मिलेंगे खाने को। तो देखिए अब जो है हम जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, और ये लंगर का जो टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक चलती है। तो अब हम जो एंट्री कर रहे हैं लंगर खाने के बाद और उनका दर्शन होने के बाद आपको टी भी मिलेंगे पीने पर, जो कि इस वैन सीजन में काफ़ी भी पड़ गया और ओल्ड सीजन है ना, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नॉट मच वॉर स्विंग बट सो ओके एंड आई लव अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह हम इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।